नागरिकता संशोधन बिल के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के मद्देनजर नई गठित बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा हमीदपुर बाजार में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकता संशोधन बिल के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। बीजेपी के हर कार्यकर्ता आगामी 15 जनवरी तक घर घर जाकर लोगों को बिल के फायदे के बारे में बताएंगे। इस अवसर पर मंडल हमीरपुर की बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आगामी रूपरेखा तैयार की। हमीरपुर के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि मंडल हमीरपुर की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की गई है, तो साथ ही नागरिकता संशोधन बिल के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यकर्ता विधायक नरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में रैली निकाली जाएगी। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में बूथ स्तर पर जाकर लोगों को बिल के बारे में जागरूक किया जाएगा। 10 दिनों में हर परिवार के पास जाकर बिल के फायदे के बारे में प्रचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक बीजेपी का जिला भर में जन जागरण अभियान चला रहेगा। आज कार्यकारिणी की हमीरपुर मंडल की पहली बैठक थी और पहली बैठक में CAA के ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम इसके ऊपर विस्तार से सभी पार्टी के पदाधिकारियों, ग्राम केंद्र अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों, इन सबको अवगत करवाया गया और संगोष्ठी के बाद एक रैली जो है वो जन जागरूकता रैली वो हमीरपुर बाजार में निकाली जाएगी और जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जो पंपलेट्स हैं वो भी बांटे जाएंगे, लोगों को इसके लिए अवगत भी करवाया जाएगा और बाजार में एक रैली जो है वो भी निकाली जाएगी। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी हैं। वो एक लॉयर होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी हैं और वो कानून की बारीकियों को समझते हैं। CAA क्या है उसके बारे में वो विस्तार से और इसकी बारीकियों के बारे में लोगों को अवगत भी करवाएंगे। लगभग 15 जनवरी तक पार्टी के कुछ प्रोग्राम आए हैं, उनकी चर्चा भी हमने कार्यकर्ताओं के बीच में की है, जिसमें मेन हमारा जो काम है कि 5 तारीख से हमारा जो बूथ लेवल पे हर घर में जाके बूथ लेवल की मीटिंग होगी और वहाँ पे 10 दिन में हर घर को, हर परिवार को हम टच करेंगे और इसके बारे में कि जो अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट जो हुआ है उसके फायदे क्या हैं, किन लोगों के लिए किया गया है, घर घर जाके जो है वो इसका हम प्रचार करेंगे और 5 तारीख को सभी बूथों पर बूथ लेवल की मीटिंग जो होगी इस बारे में होगी और 15 तारीख तक ये जन जागरण अभियान जो है वो हमारा चलेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।